कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के हत्या का मास्टरमाइंड विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। उज्जैन ने पुलिसकर्मियों के सामने कई कबूलनामे भी किए हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि उज्जैन के मंदिर में ही क्यों गिरफ्तार किया गया, उज्जैन के मंदिर में ही समर्पण क्यों करना चाहता था विकास दुबे। विकास दुबे ने 9 अहम खुलासे किए हैं, देखिए रिपोर्ट। विकास दुबे का कबूलनामा एक है कि पुलिस के लोग मेरे संपर्क में थे, एनकाउंटर के डर से पुलिस पर फायरिंग की। देवेंद्र मिश्र से उसकी नहीं बनती थी। देवेंद्र मिश्र बिलौर के सीओ थे। विकास दुबे का दूसरा बड़ा कबूलनामा है कि कई बार सीओ मुझे देख लेने की धमकी दे चुका था, पहले भी बहस हो चुकी थी। विनय तिवारी ने भी बताया था कि सीओ तुम्हारे खिलाफ है, वह हमेशा तुम्हारी शिकायत करता है, इसलिए सीओ की मुझे हत्या करनी पड़ी। विकास दुबे का तीसरा बड़ा कबूलनामा है कि सीओ पर मुझे बहुत गुस्सा आता था, सीओ को सामने के मकान में मारा था। मैंने नहीं मारा सीओ को, लेकिन मेरे आदमियों ने उसे मार डाला। विकास दुबे का चौथा कबूलनामा है, सीओ को कूदकर मामा के आंगन में मारा था, सीओ के पैर पर भी वार किया था, यानी उसका पैर तोड़ दिया, क्योंकि वो बोलता था कि विकास का एक पैर गड़बड़ है, दूसरा भी सही कर दूंगा। मैंने इस गुस्से को पूरा किया और सीओ के पैर पर भी हमला कर दिया। सीओ का पांचवा बड़ा खुलासा है कि सीओ का गला नहीं काटा, गोली पास से उसके सिर पर मारी थी, आधा चेहरा फट गया। सबूत को मिटाने के लिए उसे जलाना चाहता था, लेकिन पुलिस बल आ गई इसलिए जला नहीं पाया, नहीं तो उसे जला डालता। विकास दुबे का छठा बड़ा खुलासा है, मैंने सभी साथियों को अलग अलग भागने को कहा, मैंने अपने साथियों को हथियार के साथ बुलाया था, मैंने 30 लोगों के लिए खाना भी बनवाया, सभी ने खाना भी खाया और पुलिस कर्मियों पर फायरिंग भी की, मैंने ही 8 लोगों को मरवा डाला। विकास दुबे का सातवां बड़ा कबूलनामा यह है कि मैं मंदिर परिसर में बैठकर बहुत रोया, मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है, मुझे मजबूर किया गया, मुझे गोली चलाने के लिए पुलिस ने ही मजबूर किया। अपने 8वें खुलासे में विकास कहता है कि कुएं के पास 5 पुलिसकर्मियों की लाश को रखा गया था, जिसमें वह आग लगाना चाहता था और सबूत को मिटा देना चाहता था। आग लगाने के लिए घर से गैलनों में तेल भी लाया गया था। विकास दुबे अपने 9वें कबूलनामे में कहता है कि 50 लीटर के गैलन में तेल मंगवाया गया था, सभी पुलिसकर्मियों को जला देने का इरादा था, लेकिन लाशें इकट्ठा करने के बाद उसे मौका ही नहीं मिला और वह फरार हो गया।